चलो गाइज, अभी उठा हूँ मैं। ये देखो अपना हथियार अपने पास में रहता है, कहाँ भी रहो अपने पास में मिलेगा। ये जब मर्जी हुआ उठाया और ब्लॉक किया। अभी टाइम हो रहा है 10 बज गई है, 10 बजे नींद खुली हुई और बाल देखो पूरे कैसे हो रहे हैं, अभी डांट पड़ने वाली है बहुत। बाल बहुत बड़े हो गए लेकिन कटवाने नहीं जा सकता हूँ अभी, क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है तो ये भी क्या करें आप। वर्कआउट भी जरूरी है ताकि बॉडी एक्टिव रहे, और थोड़ा पंप भी आता रहा हाथों में। पंप तो सब चला ही गया अभी तो, बट नॉर्मली थोड़ा बहुत है तो चलो अब दूध दूध पीता हूँ। सो गाइज, आज मैं एक चीज़ बोलना तो भूल ही गया, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। और सबसे बड़ी चीज़ आज ये हो गई है कि ऐसे टाइम पे मेरे घर की टीवी बंद हो गई है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है पीछे। क्या पता इसका क्या हुआ, मैंने सारा इसका सेटअप वगैरह चेक कर लिया, कल फिंगर भी तली थी मैंने दोपहर में खाने के लिए, तो फिंगर भी अभी तक ऊपर ही पड़ी है। इसका सारा सेटअप मैंने निकाल के सब कुछ चेक कर लिया लेकिन ये टीवी चालू नहीं हुई। और उसके बाद जब मैं ऊपर देखने गया तो मैंने क्या देखा वो आपको बताता हूँ। जो उसका माइक था जो पहले मैंने बोला था ख़राब हो गया है, उसको मैंने सही भी करवा दिया था। उसके बाद वापस वो कैसे ख़राब हो गया, ख़राब तो बोलो उड़ ही है बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो आप भी बोलोगे, मतलब कल हवा वगैरह चली थी थोड़ी बहुत ज़्यादा, तो उसके साथ में वो माइक भी क्या पता कहाँ उड़ गया, साइड में उड़ गया। मैंने ऊपर से नीचे देखने की बहुत कोशिश करी, ब्राइटनेस कम है क्योंकि गेट बंद है। तो उसके साथ उसका माइक भी उड़ गया बाहर नीचे। ओहो, गर्मी तो बहुत तेज़ हो रही है, ऐसे में तो क्या जिएगा, कोरोना सेकी डेथ। इसका माइक हट गया, इसको मैं टच नहीं करूँगा, कल टच किया तो करंट आया था इसके अंदर से, पता नहीं कैसे आया करंट, बट करंट आया। ये इसका माइक अभी क्या पता कैसे निकल गया है, नीचे ही बहुत देखा, नीचे तो पूरा गंदा हो रहा है, तो नीचे जाने जैसा है ही नहीं। चेक किया बहुत सारा, बहुत दुख हुआ क्योंकि ऐसे टाइम पे अब शॉप वगैरह भी नहीं खुल रही है, तो अब कहाँ से जाके लाना रहा। तो फ़ोन दूर रखता हूँ, फ़ोन अगर नीचे गिर गया तो फ़ोन तो लेने मेरे को कूदना ही पड़ेगा वहाँ पे। अब क्या करना रहा, शॉप वगैरह भी नहीं खुल रही है, टीवी भी नहीं चल रही है, तो अपने पास एक ही आसार है, फ़ोन चलाओ, बस यही है। पीछे बिल्डिंग जो दिख रही है सारी पहले नहीं थी, धूप इतनी तेज़ आ रही, आँखें नहीं खुल रही मेरी तो, ऊपर से बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस है। बढ़िया, इस गर्मी से लोग कह रहे गर्मी से कोरोना ख़त्म हो जाएगा, बाकी मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर हो जाए तो बहुत जल्दी ठीक है, सब कुछ खुले, क्योंकि मुझे राइड पे जाने की बहुत ज़्यादा ही इच्छा है। तो फिर राइड पे चल के, ये जो बिल्डिंग है वो वगैरह पहले नहीं थी, मतलब मुझे पहले बहुत आगे की रोड तक भी दिखाई देता था, बट अब तो छत पे आने की इच्छा भी नहीं होती क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। सामने गार्डन था तो इसके सामने भी घर बन गया है, तो आगे तो दिखता ही नहीं है, तो अभी यहाँ पे आने की इच्छा ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही। नीचे चलते, नीचे चल के बात करते हैं। नीचे जा ही रहा था, मम्मी बोले टंकी में पानी देख के आ जा, देख लेते टंकी में कितना पानी है। ये बड़ी टंकी है, दो टंकियाँ बनी हुई है, एक ही और एक सीमेंट, सीमेंट में कांदी जम जाती थी इसलिए उसको बंद कर दी उस टंकी को। आधी टंकी ऊपर है अभी तो चलेगा, मोटर भी क्या मालूम कुछ ख़राब हो गई है, आधे 10 एक मिनट चलती है फिर बंद हो जाती है, पानी कम हो गया बोल रहे, बाकी मुझे लग रहा है मोटर ख़राब हो गई है क्योंकि पानी तो यहाँ पे कभी कम नहीं होता है। आधी भरी हुई है, ओके काम पे लग जाते, थोड़ा बहुत घर की सफाई कर देते हैं, मम्मी के हाथ बैठा देते हैं, अभी ऐसे ही घर पे फ्री बैठे हुए हैं तो झड़बड़ो निकलता हूँ, जितने आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखो इसे।
ऐसे टाइम पे जो लोग बोलते हैं कि टाइम पास नहीं होता, वो ऐसे काम करके भी अपने घर पे अपना टाइम पास कर सकते हैं। बाकी सब तो बातें हैं बनाने की कि टाइम पास वगैरह नहीं होता, घर पे बैठो कुछ काम करो। ऑर्डर करने से अच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ काम कर लोगे तो सही रहेगा भाई। अब नेक्स्ट काम देखो क्या होता है। चले नेक्स्ट काम पे। हाँ मस्त, आज तो रगड़ रगड़ के सब साफ कर दूंगा। अरे उल्टा कैसे हो गया इसका, ये निकल गया यहाँ से, ये टूट गया ये वाला, नया लाना पड़ेगा। लेकिन अभी तो ला भी नहीं सकते, कोई की दुकानें खुल रही है लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही बंद कर रखा है। तो अभी मैं काम कर लेता हूँ, उसके बाद में फिर आपसे मिलकर बात करता हूँ। तो अभी तो गीला गीला है सब कुछ, सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे ही खड़ा हूँ। यहाँ से अभी लूँगा नहीं जब तक ये सब कुछ सूख नहीं जाता, नहीं तो इतना सब कुछ करने के ऊपर पैरों को, सॉरी पैरों के ऊपर नहीं, करे हुए में पानी फिर जाएगा। जो किया अभी पैर के दाग पड़ जाएंगे, वापस मम्मी बोलेगी अच्छा आपने काम किया या काम बढ़ाया है ये। इसलिए अपन ने इसको बराबर साफ करके एक जगह खड़े हो जाते 2-5 मिनट, तब तक सूख जाएगा। मैं ब्लॉग बना रहा था, मैंने देखा मेरे बियर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या करूँ अब, जिलेट गार्ड भी नहीं है ताकि इसको मैं साफ कर सकूं। लाने मार्केट जा नहीं सकता हूँ, बाहर जाता हूँ तो पुलिस वाले डराते हैं। तो वापस उस गेट से, वो जो गेट नज़र आ रहा है उस पर भी ताला लगा रखा, उस गेट से वापस जो मैं रिटर्न आता हूँ देख के, अगर बोल के भी जाता हूँ क्या लेने जा रहा है, बोलता हूँ सामान लेने जा रहा हूँ, बोलता हूँ तू दिन में 3 बार सामान लेने जाता, मतलब पहले मैं सामान लेने गया तो सामान लेके आया, जब भी मुझे याद नहीं आया मैं एकदम भूल गया। उसके बाद सेकेंड बार मैं सुबह में जब 8 से 10 का टाइम था, जब खुलता था तब मैं दूध वूध लेके आ गया और घर पे आके बैठ गया। 10 बजे मुझे याद आया कि अरे ये तो मैं भूल गया। फिर वापस खुला था मार्केट तो मैं सोचा कि जाके ले आता हूँ, तो वापस जैसे लेने गया बोले तो दिन में 3 टाइम सामान लेने जाता है। मैंने कहा बात तो सही कह रहे, इसलिए अभी जाने से पड़े इससे अच्छा घर में बैठ जाओ, बाद में कर लेंगे सब कुछ। इसलिए थोड़ा फेस अभी सही नहीं आ रहा है, तो थोड़ा समझ जाना। अभी घर बैठे बैठे ये सब काम करके सुबह का तो टाइम मैं अपना पास कर लेता हूँ वैसे ही, और दूसरे जो सब काम है वो मैं करता रहता हूँ, मेरा टाइम तो निकल जाता है आराम से। ऐसा कुछ ही नहीं है कि घर में बोर हो रहा हूँ वगैरह, ऐसा बहुत सारे काम है घर में करने लायक। जो लोग बोल रहे हैं घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं ये हो रहे हैं, तो भाई साहब आप लोगों को एक ही निवेदन है कि आप अपने घर में जो काम हो रहा है उसमें सपोर्ट करें अपने घर वालों का, और ऐसे करते रहोगे तो ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। फैमिली के साथ में अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो, आस पड़ोसी से अच्छी बॉन्डिंग बना के रखो। अगर थोड़ा टाइम मिल रहा है, ऐसा नहीं कि बाहर बैठ के बातें बातें कर रहे हो भाई, ऐसा नहीं करना है, पब्लिक गैदरिंग नहीं करनी है। अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए बात वगैरह कर सकते हो, तो अच्छे से आप टाइम पास कर सकते हो। पहले के लोग करते ही थे ना, तब भी कौन सी बड़ी बात है। तो इफ़ यू एंजॉय दिस व्लॉग, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो को, ताकि आगे से आगे लोगों को पता चले घर में कैसे मैं काम कर रहा हूँ। जैसे ऑनेस्टली आप भी काम करें और फैमिली को सपोर्ट करें, टाइम बहुत हार्ड है लेकिन निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।